अरे चल जल्दी जल्दी काम कर यार, तेरे को और भी बहुत सारी गाड़ी साफ करनी है। इस गाड़ी को पूरा का पूरा सफेद कर दे, चमका चमका के। अरे साइमन भाई आप टेंशन मत लो, इस गाड़ी को मैंने रेड से व्हाइट बना दिया कपड़ा मार मार के। बस आप मेरे 10 करोड़ रेडी रखो सैलरी के। क्या 10 करोड़? अच्छा तू 10 रुपए को 10 करोड़ बोलता है क्या? हाँ दे दूंगा 11 करोड़ दूंगा। अरे फेकी बे मेरी बात सुनो, अबे शिनचैन रुक जा, मेरी सैलरी की बात चल रही है। अरे फेकी बे सैलरी को मारो गोली, मुझे रैम चैलेंज के बारे में पता चला है। बहुत ही खतरनाक वाला रैम चैलेंज होने वाला है और बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा प्राइस है। क्या रैम चैलेंज? फटाफट से गाड़ी में बैठ। अरे देखिए फेकी बे बैठ जाता हूँ। अरे ये तो मेरी गाड़ी है ना। अबे हट, तेरी गाड़ी होगी अपने सपने में मैं लेके जा रहा हूँ। अरे पुलिस को फोन करूंगा। अरे कर दे, मैं डरता हूँ क्या? तो गाइस सर अभी यार ये गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ सीधा रैम चैलेंज में, क्योंकि भाई ये शिनचैन बोल रहा है बहुत ही बड़ा वाला प्राइस है। अरे फेकी बे सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला प्राइस है। तो चलो यार बिना ये चलते हैं अपन रैम चैलेंज में। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं आज के रैम चैलेंज में, सारे के सारे हमारे कंटेस्टेंट भी आ चुके हैं, गाड़ियां सारी की सारी तैयार है, रैम अपना बिल्कुल तैयार है। अपन शुरू करने वाले बस कुछ ही देर में। सारे के सारे कंटेस्टेंट देख सकते हो, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और कोई ना कोई तो है। और ये अपना रैम भी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही तगड़ा वाला रैम है और जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। सबको सब अपने अपने फोन में यार वीडियो आ चुकी है जो कि प्राइस की वीडियो है, और यार वो भी मैं आपको नहीं दिखाने वाला, वो मैं आपको वीडियो को बाद में दिखाऊंगा जो भी जीतेगा। और गाइस यार प्लीज यार फटाफट से कमेंट जाके लिख दो फ्रैंकलिन ओपी या शिनचैन, ओपी फ्रैंकलिन जीत जाओ या शिनचैन जीत जाओ, क्योंकि कैसे भी करके मुझे यार ये वाला यार प्राइस जीतना है ताकि मुझे यार कहीं पे नौकरी न करनी पड़े। तो फटाफट जाके फ्रैंकलिन ओपी शिनचैन ओपी लिख दो। और ये स्पाइडरमैन तो निकल चुका है अपनी एक छोटी सी कार लेके और ये उल्टा पुल्टा होके जाया जा रहा है। ये रैंप यार बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा मजेदार भी है। और ये स्पाइडरमैन ये क्या किया, ये स्पाइडरमैन नीचे गिर चुके हैं, इनकी गाड़ी गोल गोल घूमते हुए जा रही है सीधा नीचे और स्पाइडरमैन हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। तो अब बारी अपने फ्लैश की, देखते हैं ये क्या करके दिखाते हैं। यहाँ पर सारी सारी गाड़ियां पड़ी है, उसमें से आपको कोई भी गाड़ी चूज करनी है और जो भी रैम चैलेंज जीतेगा उसको वो प्राइज मिलेगा। और आपको तो पता ही है क्या करना है। और अगर आप चाहते हो और भी कोई आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है तो उसका भी नाम लिख सकते। और अभी यार ये फ्लैश यार अभी टप्पे खाना चालू हो चुका है, इसकी गाड़ी यार गोल गोल घूमती जा रही है। क्या ये रैम चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? फटाफट से कमेंट में मुझे बता दो। अभी इसी गाड़ी तो मस्त है, गोल गोल घूमे जा रही है, पर सोचो यार कोई अंदर बैठा होगा उसका कितना ज्यादा सर चकराएगा। और ये फ्लैश भी नीचे गिर चुके हैं और ये हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। इससे तो वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। अब बारी है आयरन मैन की, देखते हैं ये करके दिखाते हैं। इसने रेड कलर की अपनी गाड़ी चूज कर ली है, क्या लगता है आपको कि ये जीत पाएगा ये रैम चैलेंज? फटाफट से कमेंट में बता दो। एनीवे मुझे तो नहीं लगता है। अरे ऐसे कैसे नहीं लगता है, मैं इस रैम की 10 बार प्रैक्टिस करके आया हूं, देखना मैं जीतूंगा। क्या 10 बार? चलो देखते हैं अगर इसे 10 बार प्रैक्टिस करी क्या ये जीत पाएगा, और अगर जीत गया तो बोल देंगे हम तो ये पहले से प्रैक्टिस करके आया था, हमारे क्या जाता है। तो फटाफट से देखते हैं ये क्या करके दिखाता है। अभी तो ये बिल्कुल ढंग से जा रहा है, मतलब ढंग से तो नहीं जा रहा, बहुत ही ज्यादा टकराते जा रहा है। और ये क्या, ये तो बहुत ही क्लोज पहुंच गया और ये यहाँ से टकरा के नीचे गिर चुका है। भाई ये बहुत ज्यादा क्लोज था, मतलब उसमें टकरा के नीचे गिर चुका है। अब देखते हैं अपने थॉर क्या करके दिखाते हैं। इसने लगता है सही में प्रैक्टिस करी थी, इतना ज्यादा गोल गोल गाड़ी को गिराने के बाद, गोल गोल घूमने के बाद फिर भी इसने बिल्कुल ढंग से लैंड कर लिया। चलो अब देखते हैं अपने थॉर मतलब बिजली का देवता क्या करके दिखाता है। अभी ये गाड़ी अभी ये कर लेके जा रहा है, अभी ये कौन सा स्टंट था, ये तो वापस से लेके आ गया इधर अपने रैम पे। अबे थॉर ढंग से गाड़ी चला ले, फालतू को टाइम पास मत कर। हम हैं थॉर और इस रैम चैलेंज में हम जीतेंगे। अगर हम ये रैम चैलेंज नहीं जीते तो हम ओडिन को बोल के ये पूरी पृथ्वी फड़वा देंगे। मुझे ये रैम चैलेंज जीतना है। अबे क्या शादी वादी चल रही है, रैम चैलेंज जीतना है? ऐसे तो ना हो तो ओडिन को बोल के कुछ भी कर देगा। अबे कहाँ जा रहा है? और ये तो खुद ही कूद के, भाई तेरी गलती भाई, मैं मानूंगा ही नहीं भाई, तू खुद कूदा जाके। हम है थॉर, मुझे ये याद चाहिए थी इसलिए मैं इधर कूद गया, वरना तो तुम्हारी पृथ्वी आ जाती। अरे हाँ ठीक है यार, हम डरते नहीं है वैसे भी किसी से। ओ सही में मत बोला, थी मजाक कर रहा था। तो अब बारी अपने क्रिश की यार, क्योंकि थॉर हो चुके बहुत ही बुरी तरह डिस्क्वालीफाई। अब देखते हैं अपना क्रिश क्या करके दिखाता है। लैला मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मुझे अपनी जीत दिखाई दे रही है। माँ मैं जीतूंगा, माँ मैं जीतूंगा। अरे हाँ जीत लियो, मना नहीं है। एनीवे की भी इसको क्या दौरा पड़ रहा है क्या? अबे शिनचैन इसकी गाड़ी तो देखो भाई, कैसे गोल 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 घूमे जा रही है। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे मेरे चश्मे गिर गए। अरे इसके चश्मे गिर गए, इसको कोई बचाओ। अरे रोको रोको लैला, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं चश्मे तो पहनता ही नहीं हूँ। अबे साले मजाक कर रहा है, अबे गिर जा इधर। अरे यार गिरा ही नहीं, ये काश गिर जाता साला, मजाक करता है फालतू में, तो मैं गाड़ी रुकवा रहा था। कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्रिश पहुंच पाता है कि नहीं। अभी तो सीधा जा रहा है रैम की तरफ और वहां पे वो सामने फटाके फूट रहे जहां पे इस रैम की एंडिंग है, और ये यहां पे लैंड करा और ये टकरा के जा चुका है सीधा पानी की तरफ। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे, पहले आयरन में टकरा के नीचे गिर गया, अब ये टकरा के नीचे गिर गया। अब बारी है शिनचैन की, भाई सबसे ज्यादा क्लोज तो अभी
तक यार क्रिश गया, देखते यार अभी सिंचन की करके दिखाते हैं। और इसे शुरू में बूस्ट का यूज कर लिया और ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुका है और यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया वाली लैंडिंग कर लिया सिंचन ने। यही वे की बे तभी कैसे नहीं, अभी तेरी तारीफ नहीं कर रहा मैं, चुपचाप रैम चैलेंज कर लिया, अपन को ये जीतना है। गाइस अभी तो कमेंट में सिंचन ओपी नहीं लिखा है तो फटाफट जाके लिख दो, और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अपना सिंचन यार बहुत ही ज्यादा क्लोज जाता जा रहा है, आपको क्या लगता है जीतेगा कि नहीं, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। और ये बहुत ही ज्यादा क्लोज जाते हैं और ये बहुत ही बड़ी सिंचन, एनीवे की मैं बचाऊं मुझे। अरे भाई ये सिंचन भी गिर गया, अबे तुमको कोई दिक्कत है क्या, या फिर रैंप में दिक्कत है, वहां पे कोई ठहर ही नहीं पा रहा। अभी सबसे ज्यादा क्लोज तो सिंचन है क्योंकि ये बहुत देर तक उस रैंप पे था फिर गिरा। चलो मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ। अरे यार की गाड़ी है, चुपचाप उतर वरना बहुत बुरा मारूंगा। अरे यार ले, कोई खटारा गाड़ी वैसे भी चाहिए नहीं मुझे। अबे यार क्या रोता रहता है, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जाने वाला हूँ। तो सिंचन यार अभी सबसे ज्यादा मतलब क्लोज है, अगर मैं हार गया और हल्क भी हार गया तो अपन यार मतलब फिक्स अपन को प्राइज तो मिलेगा क्योंकि सिंचन यार अपने साथ ही है। यही फेंकी भी नहीं, अगर मैं जीत गया ना तो यार प्राइज में लेके भाग जाऊंगा नैने को दीदी के साथ। है मैं सोच रहा था भाई ये सिंचन मेरा दोस्त है पर ये तो मेरा दुश्मन निकला, अब तो ये रैमचैन मैं ही जीतूंगा और सिंचन को भाई उस प्राइज को दिखाऊंगा भी नहीं। एरी फिकी मैं तो मजाक कर रहे थे, ऐसे मत करो। अबे क्या घंटे का मजाक कर रहा था, अब तो मैं जीतूंगा। और ये बहुत ही बढ़िया लैंडिंग, और ये भाई यार अभी भाई ये रैम्प ची खराब है, मैं को खेलना ही नहीं है, मैं भी टकरा के चला गया और मैं तो ज्यादा देर रुका भी नहीं सिंचन से। एरी फिकी भी क्या बोल रही थी, अरे सिंचन मैं तो ना कुछ बोल रहा था, मेरी बात सुनना, देख अपन दोनों कितने अच्छे दोस्त है। गाइस फटाफट से कमेंट बता दो सिंचन में कितने ज्यादा अच्छे दोस्त है, हम तो दोनों साथ में उसका प्राइस है ये। अभी रुको मैं पानी के अंदर आ गया, यहाँ पे अपन ऊपर चलते हैं और यहाँ है पानी के बीचों बीच बसा हुआ झरने में बहता हुआ एक बढ़िया सा घर जो कि मिलने वाला है हल्क। एक सेकंड हल्क को क्यों दे भाई, हमें पांच या चार जनों ने यार हमें मतलब वो रैंप मतलब वहाँ पे उधर हम लैंड किए और हल्क पहले सबसे ज्यादा लैंड किया, पर ये बात तो ना होती है, ये तो ना लिखा था कौन सबसे ज्यादा रहेगा भाई जो भी लैंड हुआ। भाई रुको मेरी बात सुनो। गाइस यार मेरे पास एक आइडिया है, आप यार फटाफट से कमेंट में जाकर सबके नाम लिख दो, जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे उसको ये वाला घर मिलेगा जो कि बिल्कुल झरने के बिल्कुल पास है। आपको घर दिखा देता हूँ, यहाँ पे किचन है, सोफा है और यार मतलब टीवी भी लगी हुई है फुल, ऊपर बेडरूम भी बना हुआ है भाई, इसका जो सीन है मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और यहाँ पे गन भी है। गाइस यार सबसे ज्यादा जिसका नाम होगा अभी, अगर आप अगर मेरा नाम लिख दोगे ना अभी के अभी ये गन उठाऊंगा सीधा जाके हल्क को मार दूंगा क्योंकि ये घर तो मेरा है ना, पर आपको यार वोटिंग करनी पड़ेगी उससे पहले, तो फटाफट जाके वोट कर दो और मुझे बता दो यार कौन है इस रैमचंद का विनर। और गाइस यार आपको मैं दिखा देता हूँ, अरे पहले मैं झरने में बह गया, अभी यहाँ पे मैं दिखाने गया था पर मैं झरने में बह गया, कोई बात नहीं, बचाओ, अरे मैं तो बहता जा रहा हूँ, सिंचन बचा है, एरी फेंकी भी मैं कैसे बचाऊँ, एरी फेंकी बाहर आ जाऊँ, अरे रुक जाओ, अरे भाई यहाँ से बाहर निकलो। और गाइस सर यहाँ से मैं बाहर नहीं आ पा रहा, अरे आ गया, तो गाइस सर मुझे यार वोटिंग करके जरूर बता देना। और यहाँ पे बोट भी खड़ी है जिसमें हम मस्त घर घूम सकते हैं, ये घर कुल मिला के बहुत ही ज्यादा मस्त है झरने के बिल्कुल पास में। तो गाइस सर कमेंट में मुझे बता देना कौन जीता ये रैम चैलेंज। तो गाइस सर आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस सर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके जॉनर फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।